तो दोस्तों आज बात करेंगे एक ऐसी मूवी की जिसमें पूरी पृथ्वी बर्बाद हो गई है और पूरी पृथ्वी पर सिर्फ दो लोग जिंदा बाकी हैं, बाकी सब लोग पृथ्वी छोड़कर दूसरे ग्रह पर चले गए हैं। मूवी का नाम है ओब्लिवियन। ये 2013 में आई थी और इसमें एडवेंचर और साइंस फिक्शन को कूट कूट कर भरा गया है। तो दोस्तों लुढ़कते पुढ़कते हम स्टार्ट करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। मूवी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है 2077 को, जिसमें पृथ्वी पूरे तरीके से नष्ट हो चुकी है और पृथ्वी किसी इंसान के रहने लायक नहीं बची है। दरअसल 60 साल पहले एलियंस ने हमारे अर्थ पर अटैक किया था, जिनसे हमें लड़ने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करना पड़ा और एलियंस ने ही हमारे मून को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन एलियंस से लड़ाई करते समय हमने वो लड़ाई तो जीत ली, पर लेकिन न्यूक्लियर वेपन की रेडिएशन का सामना हमारे अर्थ को करना पड़ा। पृथ्वी के सभी लोग टाइटन पर चले गए हैं, जो कि सैटर्न ग्रह का मून है, और शायद ही अब पृथ्वी पर दो लोग बचे हैं, जैक और विक्टोरिया, जिन दोनों का काम है ड्रोन्स को रिपेयर करना। और ड्रोन्स का काम होता है फ्यूजर जनरेटर को प्रोटेक्ट करना, जो बाकी के बचे हुए एलियंस जो पृथ्वी पर रह गए हैं उनसे। इन ड्रोन्स को कुछ इस तरीके से प्रोग्राम किया गया है कि ये एलियंस को देखते ही उन्हें ख़त्म कर देते हैं। टाइटन ग्रह पर रहने वाले लोगों के लिए सिर्फ एकमात्र एनर्जी का सोर्स है फ्यूजन जनरेटर, जो पृथ्वी पर लगे हुए हैं, जिनसे फ्यूजन एनर्जी बनती है। पृथ्वी के बाहर एक टेम्पररी स्पेस स्टेशन है जिसे टेट बोला गया है, जिसमें सैली नाम की एक लेडीज है जो विक्टोरिया और जैक की बॉस है, जो उन्हें कमांड करती है। दोस्तों इसमें जैक का एक टेक्निकल नाम भी है, टेक 49। दोस्तों ये नाम आखिर क्यों है इसका आपको लास्ट में पता चलेगा। विक्टोरिया जैक को ऑर्डर देती है और बोलती है कि उनके दो ड्रोन 166 और 172 खराब हो चुके हैं, जाकर उन्हें रिपेयर करो। जैक 166 नाम के ड्रोन को रिपेयर कर देता है और 172 ड्रोन की तलाश में निकल जाता है, और जो कि एक बेसमेंट टाइप जगह पर पहुंच जाता है उसे ढूंढते हुए, जहां पर एलियंस जैक को पकड़कर मारने की कोशिश करते हैं। पर लेकिन वहीं पर एक ड्रोन आ जाता है और जैक को बचा लेता है और वो वापस अपने स्टेशन पर आ जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर है और बहुत ही एडवांस है। अगले दिन जैक और विक्टोरिया को पता चलता है कि उनका एक फ्यूजन जनरेटर एलियंस ने पूरी तरीके से ख़राब कर दिया है, तो जैक उसे देखने के लिए जाता है। इसी के साथ जैक और विक्टोरिया को एक और सिग्नल मिलता है जो पृथ्वी से ही आ रहा होता है। जहाँ पर जैक जाता है वहाँ पर एक बिल्डिंग में ट्रांसमीटर टाइप कुछ लगा होता है। वहीं पर विक्टोरिया जो है उन सिग्नल्स को डिकोड करती है और उसे कोऑर्डिनेट मिलता है, और उसी कोऑर्डिनेट की तरफ जैक जो है जा रहा होता है। और यहीं पर विक्टोरिया को ये भी पता चलता है कि ये सिग्नल रेड जोन एरिया से आ रहे हैं, जहाँ पर जैक नहीं जा सकता है। इसी के बाद वो वहाँ पर नहीं जाता है और एक दूसरे जगह पर चला जाता है, जो एक ग्रीन वैली होती है, जहाँ पर जैक अक्सर जाया करता था। दरअसल दोस्तों यहाँ पर जैक और विक्टोरिया की मेमोरी को वाइट वॉश कर दिया गया है, क्योंकि मिशन वाले लोग नहीं चाहते कि उनके मिशन के बीच में कोई ऐसी रुकावट आए जिससे मिशन पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। लेकिन फिर भी जैक को कभी अपनी पुरानी यादें आती रहती हैं, जिनसे रिलैक्सेशन के लिए जैक यहाँ पर वैली में आराम करने के लिए आता है। जैक हरी घास में लेटा हुआ होता है जब उसे आसमान से कुछ पृथ्वी की तरफ आता हुआ दिखता है। इस अननोन ऑब्जेक्ट की न्यूज जो है जैक पहले विक्टोरिया को देता है और विक्टोरिया अपने बॉस सैली को देती है। लेकिन तभी सैली जो होती है वो बताती है कि जैक को वापस बुला लिया जाए, उसे ड्रोन संभाल लेंगे। पर लेकिन जैक जो होता है विक्टोरिया की बात को नहीं मानता है और उस ऑब्जेक्ट के पास चला जाता है। वहाँ पर जाने के बाद जैक देखता है कि वहाँ पर 5-6 स्लीपिंग चैम्बर्स पड़े हैं, जिनमें से एक स्लीपिंग चैम्बर में तो एक लड़की है जो कि उसे सपने में अक्सर दिखाई देती थी। पर यहीं पर ड्रोन्स आ जाते हैं और उन चैम्बर्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। पर लेकिन जैक जो होता है उस लड़की वाले चैम्बर को बचा लेता है, क्योंकि बाबू भैया लड़की का चक्कर है, कौन नहीं बचाएगा। और उस लड़की को बचाने के बाद वो अपने उस स्टेशन पर ले जाता है, जहाँ पर विक्टोरिया उसका इलाज करती है। लेकिन जब उसकी आंखें खुलती है तो पता चलता है कि उसका नाम जूलिया होता है, और उसे बताया जाता है कि उसके सभी क्रू मेंबर्स मारे गए हैं और वो 60 साल से उस चैम्बर के अंदर है। उसी के बाद जैक जो होता है उसके मिशंस के बारे में कुछ पूछता है, पर लेकिन जूलिया उसे कुछ बताती नहीं है। पर लेकिन जैक जो है यहीं पर उसे अपने बारे में बताता है
क्योंकि ये वही लड़की होती है जो जैक के सपनों में उसकी नींदें चुरा रही थी। जैक जो है उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता है, पर लेकिन वो किसी बात से राजी नहीं होती। लेकिन जूलिया बोलती है कि जब तक उसे अपना फ्लाइट रिकॉर्डर नहीं मिल जाता, जब तक वो किसी को अपने बारे में नहीं बताएगी। जैक और जूलिया जो होते हैं उस फ्लाइट रिकॉर्डर को ढूंढने के लिए जाते हैं उसी जगह पर जहाँ पर उसका फ्लाइट क्रैश हुआ था। और अच्छी बात यह होती है कि उन्हें वो रिकॉर्डर मिल भी जाता है, पर लेकिन वो उसे हासिल करने वाले ही होते हैं कि तभी उन पर पीछे से कोई अटैक करता है और उन्हें बेहोश कर देता है। और अगले दिन उनकी आंखें एक ऐसे कमरे में खुलती हैं जो कि चारों तरफ अंधेरा है। और दोस्तों यहाँ पर मूवी में पूरी तरीके से ट्विस्ट आ जाता है। जब लाइट्स ऑन होती हैं तो वहाँ पर चारों तरफ इंसान ही इंसान होते हैं। वहीं पर जैक की मुलाकात होती है उन सब के लीडर वीप से। लेकिन जैक जो होता है बोलता है कि तुम मुझसे कुछ भी पता नहीं कर पाओगे क्योंकि मेरी मेमोरी को पूरी तरीके से मिटा दिया गया है। पर लेकिन वीप जो होता है वो उसे एक ड्रोन दिखाता है और बोलता है कि तुम्हें इसे रिपेयर करना होगा। ये वही उन दोनों ड्रोन में से एक होता है जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया है। उनमें से एक ड्रोन को तो जैक रिपेयर कर देता है, पर लेकिन एक वापस उसे मिलता नहीं है। वीज जो है उस ड्रोन को रिपेयर करवाने के बाद उस पर न्यूक्लियर वेपन अटैच करके टेट पर अटैक करने वाला है, पर लेकिन जैक जो होता है उस ड्रोन को रिपेयर करने से मना कर देता है और बोलता है कि वहाँ पर भी इंसान ही रह रहे हैं। पर यहीं पर वीज जो है बोलता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, टेट जो है एक एलियंस का आर्टिफिशियल अड्डा है जो कि हमारी पृथ्वी से सभी एनर्जी को जनरेट करके ले रहा है, और एक बार उस रेडिएशन जोन में जाकर देखना जिसमें तुम्हें जाने के लिए मना किया गया है। ये बोलने के बाद वो जैक और जूलिया को छोड़ देता है। और यहीं पर जूलिया जो है बताती है कि वो जैक की वाइफ है। और वहीं पर तभी जूलिया बताती है कि 2017 में हमें एक अननोन ऑब्जेक्ट स्पेस में दिखा था और हम उसी की रिसर्च के लिए हम स्पेस में गए थे, और उसी मिशन में तुम और विक्टोरिया बिना किसी स्लीपिंग चैम्बर के थे और बाकी सभी मेंबर स्लीपिंग चैम्बर में अंदर थे। और यहीं पर जूलिया बताती है कि जब अननोन ऑब्जेक्ट हमें अपनी तरफ खींच रहा था तो जैक जो होता है वो स्लीपिंग चैम्बर वाले शटल को बाहर कर देता है, जो कि अब 60 साल बाद पृथ्वी पर वापस गिरता है। और अननोन ऑब्जेक्ट कोई और नहीं, वो टेट ही होता है, जिसे जैक जो है समझ रहा होता है कि वो हमारे लिए काम कर रहा है और उस पर कोई इंसान नहीं है, वो सिर्फ एलियंस का एक अड्डा है। और यहीं पर जैक को सब कुछ याद आने लगता है और जैक जो है जूलिया को गले लगाता है, और इसी चीज़ को विक्टोरिया जो है एक कैमरे से देख लेती है। और विक्टोरिया को ये बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, तो वो अपने बॉस से बोलती है कि अब हम एक इफेक्टिव टीम नहीं रहे हैं, मुझे कोई दूसरा टेक्नीशियन चाहिए ड्रोन्स को सही करने के लिए। और यहीं पर अचानक एक पीछे से ड्रोन आता है और विक्टोरिया को मार देता है, और वो ड्रोन जैक को मारने की भी कोशिश करता है, पर लेकिन जैक की वाइफ जो होती है जूलिया उसे बचा लेती है और उस ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर देती है। और वो उन ड्रोन से बचने के लिए वहाँ से चले जाते हैं और उन्हीं का पीछा करते हुए बाकी के ड्रोन भी आ जाते हैं। और इन्हीं ड्रोन से बचने के लिए जैक कब रेडिएशन जोन में चला जाता है उसे पता ही नहीं चलता। जैक की कमांडर ने उस रेडिएशन जोन के बारे में कहा था कि अगर वो उसके अंदर जाता है तो वो मर जाएगा, पर लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों यहीं पर कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। जैक देखता है कि उसके सामने एक और जैक खड़ा है जो ड्रोन्स को रिपेयर कर रहा है उस रेडिएशन जोन के अंदर। दरअसल दोस्तों टेट जो है पूरे तरीके से एलियंस का एक आर्टिफिशियल अड्डा है। 2017 में जैक और उसकी पत्नी एक मिशन पर गए थे उस अननोन ऑब्जेक्ट के पीछे, तो उस अननोन ऑब्जेक्ट यानी कि टेट ही ने उसके स्पेसक्राफ्ट को अपने अंदर खींच लिया था, और उसी में से उस स्लीपिंग चैम्बर्स वाले स्टेशन को उसने अलग कर दिया था जो कि 60 साल बाद पृथ्वी पर वापस गिरा था। और जैक और जो विक्टोरिया होते हैं वो उस आर्टिफिशियल टेंट में अंदर चले जाते हैं जहाँ पर उनके बहुत सारे क्लोन बनाए जाते हैं और उन्हें पृथ्वी पर अलग अलग एरिए में डिवाइड करके नीचे भेजा जाता है उन ड्रोन्स को रिपेयर करने के लिए। और वो ड्रोन्स जो हैं वो न्यूक्लियर पावर वाले उस मशीन को प्रोटेक्ट करते हैं जिससे टेट को एनर्जी मिलती है। और रेडिएशन जोन में जाने से इसलिए मना किया गया था ताकि जो एक दूसरे क्लोन को ना देख ले। ये सब चीज़ें समझने के बाद जैक जो है बीच के पास जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, और वो उस ड्रोन को भी रिपेयर कर देता है।
और यहीं पर एलियंस के ड्रोन्स जो है आ जाते हैं और उन इंसानों से लड़ाई करते हैं, लेकिन इंसान जो है उन सभी ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन इसी चक्कर में उनका जो खुद का ड्रोन जो होता है वो भी टूट जाता है, जिससे वो टेट पर न्यूक्लियर वेपन से अटैक करने वाले थे। पर लेकिन यहीं पर जैक जो है बोलता है कि वो अपने स्पेसक्राफ्ट के थ्रू उस न्यूक्लियर वेपन को उस टेट के कोर तक पहुंचा सकता है, लेकिन उसके लिए इसे कोई रीजन चाहिए। अगर बिना रीजन के वो वहां जाता है तो एलियंस के क्राफ्ट जो है उसे वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देंगे। यहीं पर वो प्लान बनाते हैं कि वो जूलियट को न्यूक्लियर वेपन के साथ स्लीपिंग चैम्बर में अंदर रखकर लेकर जाएंगे। जब वो स्लीपिंग चैम्बर पृथ्वी पर गिरे थे तो एलियंस के टेट ने उनसे ये मांगा था कि जो पृथ्वी पर ऑब्जेक्ट गिरा है उसे हमारे पास लेकर आओ। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर वो उस चैम्बर में न्यूक्लियर वेपन को लेकर जा रहे हैं और सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक होता है। जैक जो है स्लीपिंग चैम्बर में न्यूक्लियर वेपन को फिट कर ले जाता है और जब वो एलियंस के टेट के अंदर एंटर कर जाता है तो वो उस टेंट को खोल देता है और उस टेंट में से जूलियट की जगह पर विच निकलता है और उस न्यूक्लियर वेपन को ट्रिगर कर देता है, जिससे पूरा एलियंस का टेट डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसी के साथ विच और जैक भी मारे जाते हैं। और यहीं पर सभी ड्रोन्स जो है कंट्रोल लेस हो जाते हैं और वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इसी के बाद मूवी के लास्ट में दिखाया जाता है जूलियट जो है वो ग्रीन वैली में उठती है और उसी के पास एक जैक होता है जो कि रियल होता है, और इस तरीके से सभी एलियंस का नामो निशान ख़त्म हो जाता है। दोस्तों मूवी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड तो थी पर लेकिन बहुत ही मज़ेदार मूवी है। और दोस्तों अगर वीडियो तुम्हें अच्छे से समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही ये तुम्हारा भाई धांसू वीडियोज़ डालते रहता है इस चैनल पर।